अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आगिफ्ट टेक। आपके लिए मैं ऐसी न्यू वर्ल्ड वाइड वेबसाइट लेकर आया हूँ जिससे आप टिकटॉक अर्निंग कर सकते हैं। बहुत आसान वे है, बहुत आसान तरीका है, उसका मिनिमम विड्रा भी बहुत ज़्यादा लो है। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें और उसके बाद ही आप न्यू अकाउंट बनाया करें, जब तक आपको टिकटॉक समझ में आएगा। तो दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ, जो जो मेरे चैनल पे भी न्यू हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करेंगे, इसका इंटरफेस स्थान आएगा। सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम दे देना है, जो भी आपका बिना स्पेस के। फिर आपने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, जेंडर सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद पाकिस्तान, जो डिजीबैड का जो आपने जो एड्रेस लेना है वो लेना फर्स्ट पे से। और जिसका फर्स्ट पे पर अकाउंट नहीं बना वो मैं फर्स्ट पे की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले सबसे पहले फर्स्ट पे का अकाउंट बना लें अपना, उसके बाद वहाँ से जो है जाके अपना फर्स्ट पे का डिजीबैड का जो है डिपॉजिट में जाके एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद आई हैव रीड पे चेक लगा के रजिस्टर पे क्लिक कर दें। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। लॉगिन करने के बाद मैं सिंपल जो है आपको बताता हूँ इसमें अर्निंग किस तरह करनी है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो है आपने ये थ्री डॉट देखना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है आपने, ये लिखा हुआ है अर्न बीट्स, अर्न बीट्स पर आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको फॉसेट। आपने सिंपल फॉसेट पर क्लिक करना है। फॉसेट पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, आपने कैप्चा को सॉल्व करना है। जैसे कि लिखा हुआ है नेवर माइंड, मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक है, नेवर माइंड लिखने के बाद मैं रोल पे क्लिक करूँगा सिंपल एक। जैसे मैं रोल पे क्लिक करूँगा ये नंबर चल जाएंगे इसमें, मुझे जो भी मैं नंबर मेरा इसमें आएगा मुझे देखें 15 बिट्स मिल गया इसके अंदर। ठीक है, एक तरीका हमारा ये आ गया अर्निंग का। और दूसरा तरीका हमारा क्या है, वही अर्न बिट्स पे क्लिक करेंगे फिर पीटीसी ऐड आ जाता है। ठीक है, पीटीसी ऐड के लिए हमें क्या करना है, सिंपल वही करना है जो हम हर वीडियो के अंदर करते हैं। तो व्यूअर्स, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, सिंपल विजिट पे क्लिक करना है। सिंपल विजिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह का आएगा। तो आपने यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है, उसके बाद जो है आपने यहाँ पर एक लाइन चलेगी, उस लाइन का वेट करना है। जब तक लाइन ख़त्म नहीं होगी तो आपने यहीं पर ही रहना है। ठीक है, देखिए लाइन ख़त्म हो गई, उसके बाद आपने सिंपल से एक काम करना है, इसके बदले में आपको कुछ यहाँ पर बिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो सबसे डिफरेंट पिक्चर है आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये पिक्चर हो गई हमारी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। और तीसरा तरीका क्या है हमारा, वही थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अन बीट्स के ऊपर। अन बीट्स पर जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे शॉर्ट लिंक्स पे। शॉर्ट लिंक तो सबको ओपन करने आते होंगे, एक ही तरीका है शॉर्ट लिंक्स ओपन करने का। ये आप लोगों को मैंने हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि शॉर्ट लिंक को किस तरह ओपन करते हैं, किस तरह नहीं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। ये देखें शॉर्ट लिंक से, इसमें आपको टोटल जो है 192 बीट्स जो है यहाँ पर हम मिलेंगे। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक शॉर्ट लिंक से उसको जो है आसानी से ओपन कर सकते हैं। एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें मैंने बताया कि ज़्यादातर सिर्फ शॉर्ट लिंक्स ओपन करने का तरीका, आपको हर तरीका बताया मैंने आपको। ठीक है, आप शॉर्ट लिंक्स ओपन करके भी अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अंदर एक ऑप्शन और है, देखें ये बताता हूँ मैं आपको। सिंपल आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने एक ऑप्शन आया था ऑफर वाल, ऑफर वाल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी। ऑफर कम्प्लीट कर करके आप ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें यह आसान तरीका है कि कोई भी आप ऑफ़र को, एक दिखाता हूँ मैं आपको ऑफ़र कोई भी, जैसे कि ऑफ़र आईडी में चले जाते हैं हम। ठीक है, ऑफ़र आईडी में जाने के बाद जो है हम यहाँ आपको बताते हैं, यहाँ पर देखें ऑफ़रें बहुत सारी ओपन हो जाती हैं। यहाँ बहुत से ऑफ़रों को कहाँ से ऑफ़र के जवाब मिल जाते हैं, क्यूज़ भी होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आपको उसको सवाल के जो आंसर जो है आपको उस वेबसाइट से मिलते हैं, सवाल आपने यहाँ से देख लेना होता है। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह इशू कर रहा है, इसकी वजह थोड़ा सा ये ओपन नहीं हो रहा है। ऑफ़र डोरो देख लेते हैं, ऑफ़र डोरो शायद ओपन हो जाए। ठीक है, ऑफ़र डोरो के अंदर यहाँ देते हैं क्यूज़ के जो आफ्टर बिफोर जो है, यहाँ पर अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ, नहीं आया हुआ, नहीं तो क्यूज़ देते हैं आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर ही होता है इसमें, जो बहुत आसान होते हैं क्यूज़, जिसमें आपको जो है अब आपको वो देते हैं किसी भी कंपनी के लोगो, अपने कंपनी के लोगो देते हैं, इसका नाम क्रिएट करके बताएं। तो आप किसी भी गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे माई न्यू बक्स पोर्टल, और उस वेबसाइट का नाम जो है आप कॉपी करके सिंपल उस जगह पे पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका जो है कंप्लीट आंसर जो है सारे उसमें शो हो जाएंगे। ठीक है, और ये तरीका जो भी है, बहुत सारे तरीके, ये कीवी वाल भी देख लेते हैं, कीवी वाल के अंदर क्या है हमारा। ठीक है, कीवी वाल के अंदर भी हमारे यही क्यूज़ होते हैं, जिसको हम सवाल का आंसर देके आराम से जो है अर्निंग कर सकते हैं। देखिए कीवी वाल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, ये देखें दोस्तों, इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है क्यूज़ कैंपस लोगो। तो इसमें ये आपको ये बता रहा है कि आपने जो है सिर्फ इसको यहाँ से क्रिएट करके देख लेते हैं हम, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके। अब हम मैं आपको बताता हूँ आगे आपने इसके अंदर जो है किस तरह चेंजिंग करनी है, उसके सवाल को जो है आपने किस तरह जवाब देना है। सिंपल आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये लोगो आ जाता है, मैं आपको इसके आंसर भी दिखा देता हूँ ये कहाँ मिलेंगे आपको इसके आंसर। सिंपल आपने इसको नाम को जो है कॉपी कर लेना, ठीक है। ये कॉपी कर लिया आपने, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये स्टार्ट की उस पर क्लिक किया हमने, ये हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को पहले को तो सबको ही पता है ये आइकन जो है ये किसका है, ये उसका है एप्पल का, ठीक है। इसके ये जवाब आएंगे एप्पल। अब मैं आपको इसके आंसर जो करेक्ट बताऊंगा ना कहाँ मिलेंगे आपने देखते रहिएगा। आपने गूगल के ऊपर जाना है, सिंपल आपने गूगल लिखा, ठीक है। गूगल लिखने के बाद आपने यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर लिखना है माई न्यू बक्स पोर्टल। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर वो जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ लाके पेस्ट करके सिंपल इंटर कर दें आप। बस देखें ये सबसे टॉप वाला आइया, आपने इसको खोल लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे इसके आंसर जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे, सवाल आपने वहाँ से देख लेना है, ठीक है। कैसे मिलेंगे ये भी देखते रहिए। देखें शो आंसर, इसको यहाँ से नो चांस कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन, शो आंसर पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये आइया एप्पल, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं उसी वेबसाइट के ऊपर दोबारा चले जाता हूँ यहाँ पर। अब मैंने सिंपल यहाँ से इसको सेलेक्ट किया एप्पल, तो ये एप्पल हो गया। आपका आंसर जो है 100% करेक्ट आना चाहिए, जब जाके आपको रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल वही नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। ये दोस्तों ऑफ़र जो है काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको उसको पूरी कंप्लीट करके तो दिखा नहीं सकता। आपने सिंपल ये करना है, एक दो करके और दिखा देता हूँ। ये लिखा हमने देखिए, ये तो उसको मुझे जवाब पता है इसका सेगा, ठीक है। अब हम उस वेबसाइट से देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा हमें कहाँ मिलेगा सेगा में, देखें ये सेगा आ गया। हम शो आंसर पे क्लिक करेंगे, ये आ गया सेगा। मुझे तो रट गए ऑफ़र कंप्लीट कर करके, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। सिंपल आपने फिर क्या करना, उसी वेबसाइट के ऊपर जाना है दोबारा, यहाँ पर आपने सेगा को सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। बस सेगा पे क्लिक करेंगे आप, ये आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे ही पूरी ऑफ़र को कम्प्लीट करना है, और इसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। आप चल लेते हैं हम अपनी उस वेबसाइट की तरफ, फिर आपको बताते हैं आपने और आगे क्या करना है, ठीक है। मैं इसको अभी ऑफ़र को जो है कंप्लीट करना नहीं चाह रहा, तो इस वजह से जो है मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आइए हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में ये होता है कि आप एक ऑफ़र कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इसका जो मिनिमम विड्रा जो है ना बहुत कम है। मैं आपको दिखा देता हूँ मिनिमम विड्रा कितना है इसका। सिंपल विड्रा पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। अब अकाउंट बनाते वक्त मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अकाउंट बनाते टाइम पर जो है ना आप अपना डिजीबैट का जो है फर्स्ट पैसेज आ गया वहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना आप अपना, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, और आपने सिंपल इसका जो है यहाँ पर देखें दो ऑप्शन नज़र आते हैं, डायरेक्ट अकाउंट डिजीबैट वॉलेट या फिर फर्स्ट पे। आप फर्स्ट पे को चॉइस कीजिएगा। इसमें ये होता है कि फर्स्ट पे में सबसे मिनिमम विड्रा बहुत कम होता है। इसका मिनिमम विड्रा कितना है ये भी देख लेते हैं। सिंपल विड्रा पे क्लिक करेंगे, ये देखें सिंपल कितना 11 डिजीबाइट, जो कुछ भी नहीं है लो। एक ऑफ़र कंप्लीट करके आप आराम से विड्रा कर सकते हैं, एक ऑफ़र कंप्लीट करने के बाद। और कुछ जान PTC ऐड देख के आप इसमें ऑफ़र को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको इसका जो है ऑफ़र की स्क्रीनशॉट जो है कंप्लीट करके दिखा दूँगा। थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, जिस वजह से जो है मैं थोड़ा सा वेबसाइटों पर काम नहीं करता। मैं सिर्फ वेबसाइटों में ये जाके देखता हूँ कि वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं। ये ट्रस्टेड वेबसाइट होती हूँ जो मैं इस पर सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ और किसी पर भी नहीं बनाता, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपके मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।